नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करें आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आपको भी एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल बढ़ा हुआ है और आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइए, उसको ठीक करिए। कैसे ठीक करिएगा इस वीडियो में हम बताएंगे, क्योंकि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो है ना, उनको एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल बढ़ा हुआ है और वो बहुत ज्यादा परेशान है। वो सोच रहे हैं कैसे ठीक करें, क्या खाए क्या नहीं खाए। इसलिए सोचे दोस्तों कि हम आपको बता दें, आप लोग भी जान लीजिएगा और मेरे व्यूअर जो देख रहे हैं वो तो जन भी करेंगे जो पूछे हैं हमसे, ठीक है। तो लेकिन समझना पड़ेगा दोस्तों कि एसजीपीटी और एसजीओटी होता क्या है। दोस्तों, एसजीपीटी और एसजीओटी में अगर आपको प्रॉब्लम आ जाएगा ना, तो समझ लीजिएगा कि आपका लीवर को कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रहा है। अगर आपको लीवर का कहीं ना कहीं क्षति पहुंचेगा तो कैसे होगा, आपका शरीर भी सही से नहीं रह पाएगा। एसजीओटी और एसजीपीटी आखिर होता क्या है, यह जानना बहुत जरूरी है। और आप लोग को हम बिल्कुल बोल रहे हैं ना, इसमें ऐसा मेडिसिन बता देंगे ना कि आपको एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं की तो बात ही नहीं है, और ज्यादा पैसा भी खर्चा नहीं करना है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी डॉक्टर से दिखा रहे हैं तो उस डॉक्टर से जरूर बोलिए कि डॉक्टर साहब, कितने दिन के अंदर में मेरा एसजीपीटी और एसजीओटी ठीक हो जाएगा, तो डॉक्टर साहब खुद आपको बता देंगे। इसके बाद फिर आप जाकर टेस्ट करवा कर देखिएगा कि यार एसजीपीटी एसजीओटी मेरा कम हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। नहीं कम होगा तो फिर जाकर डॉक्टर साहब के बोले क्यों नहीं ठीक हो रहा है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों छोड़ना नहीं है, छोड़ दीजिएगा तो वह बढ़ते जाएगा तो समझ लीजिए कि लीवर भी आपको फेल हो सकता है, लीवर बिल्कुल खराब हो सकता है, ठीक है। तो आपको खराब नहीं करना है, आपको स्वस्थ बनकर रहना है और मेरे साथ जुड़े हैं ना, आपको बीमार नहीं पड़ेंगे, इतना कंफर्म रखिएगा, ठीक है। और आप लोग को दिक्कत कभी भी हो ना, किसी भी बीमारी के संबंधित, आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स और इंस्टाग्राम पर पूछिएगा, हम आपको मदद जरूर करेंगे। जो भी रिपोर्ट है इंस्टाग्राम पर भेजिएगा, सच्चाई बताएंगे। आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि एसजीपीटी और एसजीओटी होता क्या है। दोस्तों, एसजीपीटी और एसजीओटी यह जो है, यह एक एंजाइम है। यह एंजाइम आपको लीवर में तो मिलता है, साथ में किडनी में भी, इसके बाद हृदय में भी, मानसिक में भी यानी मस्तिष्क में भी, इसके बाद मसल्स में भी। अगर मसल्स में प्रॉब्लम हो जाए, मानसिक में प्रॉब्लम हो जाए, हृदय में प्रॉब्लम हो जाए, किडनी में प्रॉब्लम हो जाए, तो आपको एसजीओटी का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि एसजीओटी का लेवल बढ़ा है ना, तो हो सकता है खाली लीवर में भी बढ़ा होगा, लेकिन नहीं, आपको तीनों बताए ना, लीवर, मस्तिष्क, हृदय, ये सब में भी किसी भी अगर फॉल्ट आ जाए ना, तो एसजीओटी का लेवल बढ़ जाता है। और लीवर में ज्यादा फॉल्ट आता है तो क्या होता है कि एसजीपीटी का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। जब यही बढ़ जाएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कतें दिखाई देने लगती है। वो क्या दिखाई देती है, तो वह दिखाई देगा आपको पेट में बहुत ज्यादा गैस बनेगा, खाना सही से नहीं पचेगा, खटी खटी धिकारे आएगी, ठीक है। इसके बाद भूख नहीं लगेगा, वजन लॉस होने लगेगा, ये सब लक्षण दिखाई देने लगती है। इसके बाद आप अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करवाएगा तो उसमें लीवर में सूजन दिखाई देगा, ठीक है, ठीक है। जिसको हम इंग्लिश में हेपेटोमेगाली बोलते हैं, यह दिखाई आपको देने लगेगा, ठीक है। तो लेकिन इसको आप लोग कैसे ठीक करिएगा इस वीडियो में बता देंगे। आप लोग चाहिए तो आसानी से घर पर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर आपको रेगुलर बना रह रहा है ना, एसजीओटी एसजीपीटी अगर रेगुलर बढ़ा रह रहा है, तो प्लीज आप सावधान जरूर हो जाइए, ठीक है। आप बिल्कुल उसको जड़ से ठीक करवाइए, नहीं तो आप बहुत ज्यादा परेशान में हो जाइएगा, ठीक है। एसजीपीटी और एसजीओटी जो होता है दोस्तों, एंजाइम होता है जाकर बॉडी को फंक्शन करते हैं, ये काम करता है। लीवर जो होता है दोस्तों, हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि लीवर जो होता है वह एक मैनेजर के काम करता है और पूरा बॉडी को फंक्शन वो काम करने के भी वो सक्षम होता है, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर बढ़ियार करके रखिए, ठीक है। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि इसको एसजीपीटी और एसजीओटी को ठीक करने के लिए क्या करें। दोस्तों, अगर इसके बारे में हम बोल लेना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो बड़ा नहीं बनाकर हम चाह रहे हैं कि आपको कितना छोटा से छोटा बताकर हम आपको समझा दें, ठीक है, ताकि आप बिल्कुल समझ जाइए और ज्यादा पैसा खर्चा करने के फेर में मत लगिए, नहीं तो बहुत सारे लोग इसके चक्कर में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा कर देते हैं। अगर आप लोग को नहीं ठीक हो रहा है ना, तो हम बोल रहे हैं ना, आपको इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट भेज दीजिए, ठीक है, हम आपको मदद करेंगे। पैसा नहीं, पैसा मत दीजिए हमको, ठीक है। आपको जो खुशी हो तो देना है, नहीं खुशी हो मत दीजिएगा। देखिए, हम चाहेंगे कि आपको हम बचा के रखें, क्योंकि आप मेरे फैमिली मेंबर हैं। आप लोग की तो वजह से मेरे चैनल ग्रो करेगा, जब आप लोग ही नहीं रहेगा तो चैनल कहां से ग्रो करेगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले समझते हैं, क्या समझते हैं, एसजीपीटी का लेवल कितना होता है, एसजीओटी का लेवल कितना होता है। आप लोग हम स्क्रीन पर भी हम दिखा देंगे, ठीक है, आप लोग स्क्रीन पर देखिएगा। एसजीपीटी का जो लेवल होता है 5 से, एसजीपीटी का जो लेवल होता है दोस्तों, वह 7 से लेकर 56 यूनिट प्रति लीटर सीरम होता है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, इतना होता है। बल्कि एसजीओटी का लेवल कितना होता है, तो 5 से 40 क्या होता है, यूनिट प्रति लीटर सीरम होता है। यानी कि 5 से लेकर 40 के बीच में होना चाहिए, इससे अगर ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं लीवर को
नुकसान पहुंच रहा है और एसजीपीटी में 7 से 56 के बीच में होना चाहिए। अगर 56 से ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं लीवर का कोशिकाएं जो होती है वो क्षतिग्रस्त हो रही है। जब एसजीपीटी एसजीओटी जब बढ़ता है ना तो समझ लीजिए कि जो लीवर जो होते हैं बहुत सारे कोशिकाएं से बना रहता है, वह जो कोशिका जो होता है वह क्षतिग्रस्त होने लगती है। जब वही क्षतिग्रस्त होने लगती है ना तो लीवर सही से काम नहीं कर पाता है, नहीं बॉडी में एनर्जी ना मिल पाती है, बहुत सारे कमजोरी महसूस होने लगती है। ठीक है, तो दोस्तों उसको कौन सा उपाय करना है? दोस्तों उपाय में हम आपको मात्र बता देते हैं, अगर आपको एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ा हुआ है तो आप दूध और हल्दी मिलाकर पीना स्टार्ट कर दीजिए, आपको जिंदगी में एसजीओटी एसजीपीटी नहीं बढ़ेगा। ठीक है, और बिल्कुल आराम रहेगा, और अगर बढ़ भी जा रहा है ना तो तुरंत ठीक भी हो जाएगा। अगर नहीं ठीक हो रहा है नाली तो समझ लीजिए कि हेपेटाइटिस ए बी सी बर्थ होता होगा, जिसकी वजह से यह हो रहा है। कहीं बहुत ज्यादा हावी हो जाता है लीवर जब कमजोर हो जाता है, तो इसलिए बोले ना कि डॉक्टर जरूर देखेगा और डॉक्टर जरूर बोलेगा कि डॉक्टर साहब कितना दिन में ठीक होगा, जल्द से ठीक हो जाए। फिर भी आप नहीं देखा पा रहे हैं तो हम बता दे रहे हैं, जो मेडिसिन बता देंगे उस मेडिसिन को खाइएगा, बिल्कुल आयुर्वेदिक बताएंगे, बिल्कुल आप ठीक रहेगा और कभी भी आपको यह सब समस्या नहीं आएगा। लेकिन दूध और हल्दी जो बताएं उसको रेगुलर पीना स्टार्ट कर दीजिए, यह समझ लीजिए कि आप बचा रहिएगा लीवर से। ठीक है, एसजीपीटी एसजीओटी आपको कम रहेगा। ठीक है, वो कौन सा सिरप है? तो वह है एमिक्योर डीएस, बहुत बढ़िया सिरप आती है एमिक्योर डीएस, बहुत बढ़िया सिरप आती है। इसको 20 ml सुबह 20 ml शाम को आपको पीना है, 1 कप सुसुम पानी के साथ आप पीना स्टार्ट कर दीजिए, आपको लीवर चुटकी में ठीक हो जाएगा। अगर बढ़ा हुआ है तो 1 महीना पी कर जाके ब्लड टेस्ट करा कर देखिए, अगर अल्ट्रासाउंड लीवर में सूजन बता रहे हैं वो पी कर देखिए, इसके बाद जाकर आप रिपोर्ट करा देखिए, बिल्कुल आपको ठीक दिखाई देगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, जय